आज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों को इनमें से एक सवाल जरूर परेशान करता होगा कि मेरे कई सारे दोस्त मैस्टरबेशन करते हैं, पोर्न देखते हैं, हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलते हैं, पर फिर भी उनकी जिंदगी मस्त है। जबकि मैंने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दिया है पर फिर भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आज भी मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। क्या सच में ब्रह्मचर्य से मेरा दिमाग तेज हो सकता है? क्या वीर्य रक्षा से मेरा दिमाग ताकतवर बन सकता है? आज मैं उन सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को शांति से देखना और समझना। इंसानी दिमाग की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। हम इंसानों ने सुई से लेके चांद पे जाने वाले रॉकेट तक की खोज की है। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि एक इंसान का दिमाग कितना क्रिएटिव और कितना शक्तिशाली होता है। पर क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग की बनावट में लेसिथिन नाम का एक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखो, हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से 30 गुना ज्यादा तेज है। पूरे दिन में हम कई सारे कैलकुलेशन करते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों विचार आते जाते रहते हैं। सिर्फ एक सेकंड के दसवें हिस्से में हमारा दिमाग काफी सारी चीजें सोच लेता है और इस प्रोसेस की वजह से हमारे दिमाग के कई सारे टिश्यूज नष्ट हो जाते हैं। लेसिथिन उन डैमेज्ड टिश्यू को रिपेयर करता है और नए टिश्यूज भी बनाता रहता है, जिससे हमारा दिमाग बिना थके बिना रुके दिन रात काम करता रहता है। इससे आप ये बात समझ गए होंगे कि लेसिथिन हमारे दिमाग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये लेसिथिन हमारे दिमाग को कहां से मिल सकता है? जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। आप में से काफी सारे लोग शायद समझ भी गए होंगे कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर्य की। लेसिथिन वीर्य का मुख्य तत्व है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत बड़ा शोक देने वाली है, तो अब मेरी बात को कान और ध्यान दोनों लगा के सुनना। रिलायंस जियो आने के बाद इंटरनेट डाटा सस्ता हो गया और स्मार्टफोन हर एक इंसान की जेब तक पहुंच गया। हाँ, इस डिजिटल क्रांति से काफी सारे चेंजेस आए हैं जिससे हमारे देश की प्रोग्रेस हुई है। कई सारे लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। लेकिन इस डिजिटल क्रांति की एक डार्क साइड भी है। सस्ते डेटा और स्मार्टफोन की वजह से आज पोर्न जैसी गंदगी हर घर तक पहुंच चुकी है। जिन बच्चों को अपने रिलेटिव के, अपने चाचा फूफा ताऊ के पूरे नाम भी पता नहीं हो, उनके हाथ में भी स्मार्टफोन आ गए हैं और इसी वजह से पोर्न नाम का राक्षस छोटे छोटे बच्चों के दिमाग खराब कर रहा है। आपने भी कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। आज लोगों को पोर्न तक जाने की जरूरत नहीं है, पोर्न खुद ही लोगों तक पहुंच रहा है। और इस गंदगी का शिकार होते हैं वो बच्चे जो अभी ठीक से टीनेज वाली उम्र तक भी नहीं पहुंचे हैं। छोटी सी उम्र में जहां बच्चों को करियर और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वहीं ये बच्चे मैस्टरबेशन के नरक में चले जाते हैं और अपना सबसे कीमती तत्व वीर्य बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। कई सारी रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जब हम बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो हमारा शरीर वीर्य बनाने के लिए हमारे दिमाग और हड्डियों से लेसिथिन खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे के बाद दिमाग और हड्डियां कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर हम पोर्न और मैस्टरबेशन जैसी गंदगी अपनी जिंदगी से निकाल दे और वीर्य रक्षा पे ध्यान दे तो ये ही वीर्य धीरे धीरे हमारे दिमाग को एक सुपर पावर, एक महाशक्ति बना देता है। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स, पाइथागोरस, एरिस्टोटल, चाणक्य और पाणिनि जैसे महान फिलोसोफर, आर्यभट्ट और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक, कालिदास जैसे महान कवि और स्वामी विवेकानंद, ये वो हस्तियां हैं जिनको वीर्य की यूनिवर्सल पावर के बारे में अच्छे से पता था। दुख की बात यह है कि आज कई सारे यंगस्टर ये बोल के पोर्न देखते हैं कि भाई हम तो सेक्स की नॉलेज लेने के लिए पोर्न देखते हैं, हम मैस्टरबेशन नहीं करते हैं, हमें बस सेक्स के बारे में जानना है ताकि हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हमारा मजाक ना बनाए। ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो पोर्न वगैरह तुम देखते हो वो असली सेक्स है ही नहीं। मानता हूँ कि सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है ताकि हम अपनी जनरेशन आगे बढ़ा पाए। लेकिन पोर्न आपको सेक्स की सही नॉलेज नहीं देता। पोर्न मूवी में आपको नॉलेज के नाम पे मिसगाइड किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्न में अवैध संबंध को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे आपके दिमाग पे बुरा असर पड़ता है और आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। ज्यादातर लोग पोर्न को सिर्फ मैस्टरबेशन के लिए ही देखते हैं, पर आप
आपको सेक्स और पोर्न की दलदल में नहीं जाना है। शास्त्रों में 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य कंपलसरी बताया गया है। उसके आगे अगर आप चाहे तो 30 साल तक भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि आप फैमिली प्लानिंग करना है, तब आपको सेक्स के बारे में सोचना चाहिए। सेक्स का भरपूर ज्ञान आपको जीवन में सफल नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, ब्रह्मचर्य के भरपूर ज्ञान और पालन से आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। एक सच्चे ब्रह्मचारी के लिए इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। दुनिया में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो जाने अनजाने में ब्रह्मचर्य का पालन करती है। शेरी जाति में एक युवक के शादी से पहले 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा नॉर्थ ट्रांसवाल की बाहंडा प्रजाति, साइंटेंग्स और स्पार्टांस भी संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल भी आ रहा होगा कि मुझे तो मैस्टरबेशन की बहुत बुरी लत लग चुकी है और अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। पर दोस्त, ये सोच बिल्कुल गलत है। मैस्टरबेशन सिर्फ एक बुरी आदत है और बुरी आदत कभी भी बदली जा सकती है। हाँ, ये शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको आदत का मनोविज्ञान समझना पड़ता है। आदत का मनोविज्ञान बहुत सिंपल है। एक बुरी आदत छोड़ने के लिए एक अच्छी आदत डालो। अगर तुम्हें कोई अच्छी आदत नहीं मिल रही तो एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, इन सबकी आदत डाल लो। जब भी दिमाग में गंदे विचार आए, एक्सरसाइज शुरू कर दो। अगर एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है तो सिर्फ प्राणायाम करो, सिर्फ सांसों पे फोकस करो, सांस अंदर सांस बाहर। इससे धीरे धीरे तुम्हारी हेल्थ भी सुधरने लगेगी और तुम मैस्टरबेशन के गंदे ख्यालों से अपने दिमाग को भी बचा लोगे। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखो, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर एक हाथ खोने के बाद भी केरली टकास ओलंपिक में गोल्ड जीत सकता है, अगर एक पैर खोने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा हिमालय चढ़ सकती है, अगर जिंदगी भर चेयर से बंधे रहने वाला इंसान स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड के रहस्य खोल सकता है, तो तुम्हारे पास तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते? अब बस आंखें बंद करके खुद से कहो, यस आई कैन डू इट, और फिर अच्छी जिंदगी के लिए संघर्ष शुरू कर दो। जब दिल में जीतने का जज्बा होगा और दिमाग में बड़े बड़े सपने होंगे, तो ये पोर्न वोर्न तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो चलो, अब तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।